Brought to you by Kanor, from nature to dining table. Karoli, winning hearts for generations. Choitrams, full of goodness. Federal Foods, a passion for excellence. Welcome back to Kanor's Kitchen King, where the bosses can cook anything. Bosses ne kar li hai cooking, and audience are looking, and judges' points are booking. Wait a minute. Basically, Mustafa try kar raha hai thodi si rhyming, kyunki ye hai faisle ki timing. I mean, ye faisle ki ghadi hai. मोना टेंशन इतनी बढ़ती जा रही है कि थोड़ी राइमिंग करेंगे तो हल्कापन आ जाएगा ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। राइमिंग से ये थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन से बॉसेस ने ज्यादा स्टार्स इकट्ठे किए हैं, ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं और कौन थोड़े से पीछे रह गए। ये तो सिर्फ हमारे जजेस ही बता सकते हैं। तो आइए चलिए पूछते हैं जजेस का क्या फैसला है। वेल, अवतार सिंह वाज क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग, लेकिन खाना बनाने के मामले में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि उन्होंने आज तक खाना बनाया नहीं है। फॉर टाइम बीइंग व्हाट आई वुड गिव हिम इज जी, आपका क्या ख्याल है? मोना, मैंने पहले भी कहा था कि अवतार जी ने जो शॉपिंग जिस स्पीड में की थी उससे मैं बहुत इंप्रेस हुई थी। ऐसा लगा था कि वे बस भाग रहे हैं। बट कुकिंग में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा ले लिए जो उनकी लिस्ट में है नहीं। चलो वो तो कोई गलत बात नहीं, इंग्रेडिएंट्स ज्यादा रहनी चाहिए, बट उनके साथ जो शेफ खड़े हुए उन्होंने उनका कुछ ज्यादा ही हेल्प कर दिया। बिकॉज आई थिंक ये कुकरी शो है बॉसेस के, और उनके साथ में जो है वो उनको हेल्प करनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि उनकी अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड सिंस आप प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नाइस टू यू। आपका मुझे लगता है कि मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया। मुझे पसंद है, मुझे मसाला पसंद है, तीखा खाना पसंद है और चटोरी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, मगर ये तो सूप है साहब, अभी तो खाना बाकी है। चलो खैर कोई बात नहीं, बट आई एम अ लिटिल डाउटफुल अबाउट द सूप अ बिट। तो मैं ये करूंगी कि हसन साहब आपकी क्या ख्याल है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे कहते हैं कि ये पकाया नहीं है पहले कभी। जिस तरह की उन्होंने काटी हैं चीजें वो लगता है कि पहले पका चुके हैं। मेहनत दोनों ने की और दोनों के खाने अच्छे थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने भी बताया कि थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी और सूप के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा करी बन गई थी लेकिन फिर भी देखते हैं कि के रावत जी के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो उनको आगे बढ़ाने वाले हैं या घटाने वाले हैं, ये तो बताएंगे हमारे जजेस। जी 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 सर। वेल, मिस्टर रावत वाज नॉट वेरी ग्रेट इन शॉपिंग। हिज सूप केम आउट क्वाइट वेल एंड इन टर्म्स ऑफ स्कोर व्हाट आई वुड गिव हिम। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी और उसके बाद पॉइंट्स भी देना चाहेंगी? जैसे शेफ ने कहा, मैं रावत साहब की जो शॉपिंग स्पीड थी उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि बहुत स्लो जा रहे हैं, क्या होगा, ये तो एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, शायद कुकिंग कम करेंगे, पता नहीं क्या है। और फिर उन्होंने डायलॉग्स भी बड़े बड़े बोले हैं, तो मैंने कहा ये तो मेरे ही प्रोफेशन के निकले हैं, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इनकी कुकिंग देखूंगी। फिर मैंने देखा जो इनके साथ खड़ी है मोहतरमा, ये तो इनसे बढ़कर एक्ट्रेस है। ये शेफ शेरोमी ने तो बता नहीं क्या क्या बोल दिया है। लीविंग एवरीथिंग असाइड, मुझे लगा कि आपने बहुत मेहनत से, बहुत ही तरीके से हर चीज़ को आपने किया। आपकी कटिंग भी बहुत तरीके से थी एंड स्टेप बाय स्टेप, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी ग्रेजुअली डन। उनकी पार्टिसिपेशन थी बट नॉट एज मच एज हिज पार्टिसिपेशन। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड कीपिंग बिग बॉस जीजीज ओपिनियन ऑल्सो इन माइंड, the texture and all look very nice of the soup, to us basis pe main aapko dungi। खोल के पॉइंट किए कल्पना जी। और उजैर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से मुझे लग रहा है। जहां तक उनके खाने का ताल्लुक है, मैं कुछ एडमिट करना चाह रहा हूं कि ऑफ कैमरा मैंने दो और चम्मच खा लिए थे तो खाना अच्छा लगा उनका,
मैं उनको देता हूँ। जजेस ने सुना दिया है अपना फैसला और इसके साथ ही हमारा पहला राउंड और पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। मगर मुस्तफा, जजेस ने तो अपने पॉइंट्स दे दिए, ये तो सिर्फ 50% वोट्स हुए ना, बाकी के 50% कहाँ से आएंगे? I know, बाकी के 50% वोट्स आएंगे हमारी ऑडियंस से। अगर आपके फेवरेट बॉस है मिस्टर रावत तो लिख भीजिए RAWAT 27575। और अगर आप वोट करना चाहते हैं मिस्टर अवतार सिंह को तो अपने फोन पर टाइप कीजिए AVTAR और भेज दीजिए 7575 पर। वोटिंग लाइन शुरू हो चुकी है, आप भी शुरू हो जाइए। वैसे आप देखते हैं कि हमारे आज की परफॉर्मेंस कैसी रही है बॉसेस की। तो ऑडियंस, जजेस ने तो अपने स्कोर्स दे दिए हैं और अब हमारे दोनों बॉसेस की किस्मत है आपके हाथों में। मेरी मानो तो सबको इक्वली वोट कर दो, इतना अच्छा खाना बनाया है इन बॉसेस ने कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं SMS करता ही चला जाऊं। नहीं 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 मुस्तफा, तुम तो कभी टाइम पे कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो। ऑडियंस, आप मुस्तफा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा, सोच समझकर अपना फेवरेट बॉस चुनिएगा और वोट कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप ही बना सकते हैं हमारे बॉस को कनौर्स किचन किंग। जी हाँ, आप जनता है, बना दीजिए उनको कनौर्स किचन किंग। लेकिन इसके साथ ही टाइम है हमारा विदाई लेने का, ताकि हम जल्दी से वापस आए और इस सोच के साथ कि खाइए, जम के खाइए, खिल के खिल खिलाइए, क्योंकि दीज बॉसेस कैन कुक एनीथिंग ऑन कनौर्स किचन किंग। Rawat saab is the superstar of this show. I'm sure he's going to win because he's been cooking since a very long time and his performance has been spontaneous all over. Avtar Singh is a very good boss, very hard working, honest person, and if he does some mistake he agreed, he said yes, I have done this one. I hope that this Mr. Avtar Singh is win this match. Oh, he's a thorough gentleman, I can say that. Yeah, the way he performed yesterday, I would say it's extremely commendable. Rawat saab ke andar ek josh hai, usko wo kehta hai ki filmy type ki hai jo usne ye jitna hai mujhe, aur ye jo akrosh hai dono opponent mein bahut achha cheez hai, then you can get the best out of it from the two people. Brought to you by Kanor from Nature to Dining Table, Karoli, winning hearts for generations, Choitrams, full of goodness, Federal Foods, a passion for excellence.